हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका कार देखो में। और आज हम बैठे हैं 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो में और बात करने वाले हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक 8 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि एड्रेनॉक से ही पावर्ड है। तो इसका इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है जैसा आपको XUV 700 में मिलता था। हाँ, वहाँ पे आपको स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ 8 इंच का ही स्क्रीन साइज दिया जा रहा है। अब इसकी फीचर्स की बात करें तो आप इसका होम स्क्रीन लेआउट देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मनपसंद की टाइल्स लगा सकते हैं और इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आप इनको पिक करके अपने ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट स्क्रीन है इसमें आप अपना मनपसंद का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस होम स्क्रीन को पूरी तरीके से अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जोमैटो हो गया, जस्ट डायल हो गया। तो ये सारी सुविधा भी, न्यूज़ अपडेट्स की सुविधा भी आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाती है। अगर आप कुछ फोटोज़ अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा का व्यू लेना चाहते हैं तो वो सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर भी आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं खासकर सेफ्टी वाले, तो SOS, रोड साइड असिस्टेंट के जितने भी मेन्यूज हैं वो यहाँ आपको ऊपर ही दिए जाते हैं। ऊपर से आप यहाँ पे वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं और नीचे भी USB ब्लूटूथ जो आपके सोर्स होता है उसके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो क्विकली आप यहाँ से सोर्स भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन भी मिल रहा है जिसको सर्च करना और नेविगेट करना वाकई काफी आसान है। और ये लोड तो थोड़ा अटक के होता है लेकिन एक बार लोड होने के बाद ये काफी स्मूथ है। चलिए अब एक बार इसके सेटिंग मेन्यू में जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आपको एक बेसिक सेटिंग्स मेन्यू मिल जाता है। डिस्प्ले में आप क्लॉक टाइप चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। अब बात अपन ब्राइटनेस की कर रहे हैं तो ये तो बोलना पड़ेगा कि ये थोड़ा और ब्राइट होना चाहिए था क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इसको पढ़ना गाड़ी चलाते हुए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर ये सिस्टम और ब्राइट होता तो और बेटर रहता। इसके अलावा आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें आपको एलेक्सा की सुविधा भी मिल सकती है। तो आप इसमें एलेक्सा को बोल के अपने मनपसंद गाने चलवा सकते हैं, वेदर का अपडेट ले सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप इस गाड़ी में कर सकते हैं। हाईलाइट है इस गाड़ी का ये सोनी का साउंड सिस्टम और इसमें आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप किस तरीके का 3D साउंड चाहते हैं, स्टेज, पार्टी, ब्रीजी, ये आप आराम से यहां से चेंज कर सकते हैं और वाकई इससे साउंड का जो इफेक्ट होता है उसमें फर्क पड़ता है। यहां पे आप किस तरीके का साउंड का फील चाहते हैं, किस तरीके का साउंड आपके पास है वो भी आ जाता है। फाइनली आपको यहाँ पे इक्वलाइजर भी दिया जाता है जिसमें सबवूफर की सेटिंग भी आपको मिल जाती है। तो ये तो थी एक क्विक ओवरव्यू आपका स्कॉर्पियो के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। अगर आपके इसके और कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप इसके बारे में और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर हमसे पूछे। एक चीज जो मैं बताना भूल गया वो था इसका फ्रंट कैमरा का मोड। यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा का डिस्प्ले भी देख सकते हैं लेकिन हमारे ओपिनियन में ये जरूर बेटर होना चाहिए था। ये गाड़ी लगभग 20 लाख से भी ज्यादा ऑन रोड कॉस्ट करती है तो ये कैमरा डेफिनेटली उस प्राइस के लिए काफी खराब लगता है। ये उतना स्मूथ भी नहीं है और इसका रेजोल्यूशन भी कम है और सेम इसके रियर कैमरा के साथ भी है। तो अगर ये कैमराज बेटर होते तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस और बेहतर हो सकता था। तो ये था स्कॉर्पियो का इंफोटेनमेंट सिस्टम। क्या और क्वेश्चन है आपके इसके बारे में हमसे जरूर पूछिए नीचे कमेंट्स में।